Hey guys, what's up? Welcome to the channel. मेरा नाम अमित guys और हमेशा की तरह guys आज हम लेकर जा रहे हैं आपको एक और नई जगह पर. जैसे कि आपने टाइटल में समझ लिया होगा तो guys आज हम आपको लेके जाएंगे अग्रसेन की बावली जो कि मशहूर है और ये पड़ती है कनाट प्लेस में. तो आपको guys लेकर चलते हैं वहाँ पर. ओके गाइस तो हम आ गए गाइस अग्रसेन की बावली और ये दिखा आपको मैं दिखा देता हूँ साइन बोर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है और हम अब आगे चल रहे हैं और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है. गाइस इस समय लगभग 10 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्राफिटी बना रखी है आपको दिखाता हूँ. काफ़ी शानदार ग्राफिटी बनी हुई गाइस और गाइस उसका नाम ही लिखा हुआ बंदे का जो उसने यहाँ पे बनाया था. गाइस आपको दिखा रहा हूँ मैं एक बेहतरीन ग्राफिटी बना रखे गाइस इस वॉल पर बहुत ही बेहतरीन है. और यहाँ पे गाइस इसका एक नाम मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम है हर्ष रमन. गाइस बहुत ही बेहतरीन बना रखी है जिसने बनाया हुआ गाइस बहुत ही काफ़ी अच्छा बना रखा है और एक्सेलेंट है गाइस इस पूरी वॉल पर. गाइस बाउंड्री के आउटसाइड में बाहर बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिटीज बना रखी है. देखिए पेंटिंग बना रखी है और एक और दिखा देता हूँ ये देखिए गाइस. गाइस पहले लुक में पता नहीं लग रहा कि ये है क्या लेकिन शायद ये कुछ ऐसा है कुछ अलग है. और ये वॉल गाइस ये पूरा ये थोड़ा सा मिट चुका है गाइस सारा चारों तरफ का जो हिस्सा है वो ख़राब हो गया पूरा. तो ओके गाइस यहाँ पे चारों तरफ गाइस ग्राफिटी बनी हुई है ढेर सारी आपको मैं दिखा रहा हूँ. और ये आई थिंक एक ही आर्टिस्ट है जिसने ये सारा कुछ बनाया हुआ है. गाइस तो अब हम इस समय हम खड़े हुए गाइस बिल्कुल मैं फ्रंट पे खड़ा हुआ हूँ इस समय और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एंट्रेंस है अग्रसेन की बावली का. अंदर चलते हैं. गाइस इस समय सुबह का टाइम है और यहाँ पर इस समय आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे. अभी आज मंडे है और इस समय क्राउड शायद अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा. मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके गाइस तो अभी हमने इसमें पढ़ लिया जो भी लिखा हुआ था लेकिन इससे ये पता नहीं लग रहा गाइस कि ये कब बना था किसने बनाया था और क्या था. जस्ट इसका नाम उग्रसेन रखा हुआ है. बहुत सारे लोग इसे अग्रसेन बोलते हैं मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है गाइस वो उग्रसेन है. दोनों तरफ इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरफ ये उग्रसेन ही है. खैर इस बात पर नहीं जाते और बता देते हैं कि इस प्लेस का कोई भी जो है स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है. तो ये किसने बनाया था किसने नहीं बनाया था कुछ भी आइडिया नहीं है लेकिन बता देते हैं कि बावली जो होती है दिल्ली में तकरीबन 5 बावलीज हैं गाइस जिनमें से कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है और लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते रहते हैं. और ये नियर बाय है कनाट प्लेस के तो आपको बाराखंबा रोड की मेट्रो से आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो यूजली उसके अलावा आप अगर सीपी घूमने भी आए हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं. और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है अभी जो टाइम आने का है वो सुबह जितने बजे 9 बजे खुल जाती है तो 9 बजे आप आइए. और मंडे में मॉर्निंग है आज तो अगर आप वीकेंड से पहले आते हैं तो आपको यहाँ क्राउड नहीं मिलेगा. यहाँ पे चारों तरफ आपको काफ़ी शांत वातावरण मिलेगा. आज भी बाहर धूप है बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी वातावरण बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं गाइस. अब हम अंदर जा रहे हैं तो चलते हैं गाइस.
इतनी गहरी है गाइस। और इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे अराउंड 108 सीढ़ियाँ हैं गाइस, जो आप अगर काउंट करेंगे तो आपको नीचे तक ले जाएगी। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ चारों तरफ का गाइस, आपको दिखा देता हूँ। ये एक मस्जिद है यहाँ पर, छोटी सी मस्जिद है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ गाइस। ये भी कुछ दिल्ली की कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, जिसको कि इग्नोर कर दिया गया है, और ये लगभग टूटने के कगार पर है, बट स्टिल आप यहाँ आ सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका हिस्सा बचा हुआ है चारों तरफ। ओके गाइस, तो मेरे पीछे है यहाँ पे मस्जिद और बावली गाइस मेरे बिल्कुल पीछे है। आपको मैं दिखा रहा हूँ डीपली और अंदर से ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सामने। ओके गाइस, यहाँ पे बहुत ही नजर आ रहा है मुझको, और ये जो है अलग कर रखा है, निकाल रखा है, और नीचे जो कुछ दिख रहा है वो सब जो है टॉयलेट है, जो कि गिर रहा है चमगादड़ों का ऊपर से। तो दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके गाइस, ये बावली है और गेट जो है गाइस ये निकाल के रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर अनऑथराइज है और एक्सेस नहीं है तो गाइस क्यों इसको यहाँ पर जो है इसको खोला हुआ है। इसको दिखाता हूँ नीचे जाके। ओके गाइस, यहाँ कुछ बदबू आ रही है और मैं गाइस मेरे पीछे है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पे लोगों ने कूड़ा फेंक रखा है, जो कि शायद पहले कभी फेंका गया होगा, या शायद लोग आते हैं तो वो फेंक देते हैं, सफाई नहीं कर रखी है, काला पड़ गया है यहाँ पे। और ओके गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है। और ये वेल है गाइस पूरा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे खराब हो रखा है। ओके गाइस, पता नहीं कितना गहरा होगा, बट इट इज टू हाई एंड आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए गाइस, वहाँ ऊपर गेट जो है उसके ऊपर सरिये लगा के इसको ब्लॉक बंद कर दिया गया है, और ये पूरा जो है बंद है गाइस, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, इतना कूड़ा भरा हुआ है यहाँ पे। आपको वापस लेके चलते हैं। अग्रसेन की बावली का जो कि ख़त्म हुआ है, बिकॉज गाइस आई थिंक ये दिल्ली के कुछ बावली में से एक है, जिसको कि नज़रअंदाज कर दिया गया है। लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ 11:30 बजे का टाइम हुआ है, और देयर सो मेनी पीपल अराउंड, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आए हैं यहाँ पर फोटोज़ के लिए। लोग आते हैं गाइस, आपको दिखाता हूँ
गाइस ये कुछ हिस्से हैं जो ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाएगा नहीं, ये बंद कर रखा है उन्होंने यहाँ पे। और आप ये रास्ते भी ऊपर बावली पर जाते होंगे सबसे टॉप पे। ओके गाइस, और यहाँ पे गाइस आपको बहुत छोटे छोटे झरोके दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद जिस समय पानी का लेवल गाइस यहाँ पे उतना ऊपर हो जाया करता होगा और लोग आकर यहाँ से पानी भरा करते होंगे, क्योंकि स्टेयर्स 108 काउंटेड है। एंड यहाँ पे गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे, शायद यहाँ एक ही बना हुआ है और एक शायद ठीक मेरे सर के ऊपर है जहाँ पे कि ये सब बना रखा है। और चमगादड़ों की आवाज़ बहुत है यहाँ पर, इट्स टू मच लाउड। अंदर से दिखाता हूँ कि ये भी जाने का रास्ता है दूसरी तरफ। गाइस वेल बहुत गहरा हुआ करता होगा और पानी बहुत ज़्यादा भर जाता होगा, इस वजह से यहाँ पे चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं और ये वाला गेट बंद कर दिया गया है। सामने कोई गेट नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता था, इसको बंद कर दिया गया है। गाइस तो ये हो गया ख़त्म हमारा आज का वीडियो अग्रसेन की बावली का, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस इसके बाद हम कहीं जाने वाले हैं तो वो अभी सस्पेंस रहेगा कहाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कुछ कमेंट भी कर देना गाइस कि कैसा था वीडियो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा आप कमेंट कर देना। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।